जिसके पास चैन नहीं है वो पूरी जिंदगी बेचैन रहेगा, क्योंकि चैन किस किस ने बनाई है मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस चैन बनाता है, टाटा चैन बनाता है, बाटा चैन बनाता है, आज प्रफुल्ल एक लड़का है एमबीए चाय वाला, उसने भी चैन बनाई है। चाय की जितनी भी फ्रेंचाइजी चलती है ये क्या है? चैन। ये चैन है। करेक्ट। वर्ल्ड में जिस इंसान ने अपने बिजनेस को पाइपलाइन में डाल दिया, यानी चैन में डाल दिया, उसकी जिंदगी हमेशा चैन में रहती है। करेक्ट, सही बोल रहे हो। जिस इंसान के पास चैन नहीं होती, जैसे कुछ लोग हैं जो अपना रोज का काम करते हैं, कमा के लाते हैं, महीने में सैलरी मिलती है, कमा के लाते हैं, उनकी कोई चैन नहीं है, वो अकेले काम करते हैं, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल काम करना, मतलब एक्टिव इनकम करना। लेकिन चैन का मतलब होता है असली पैसिव इनकम कमाना। करेक्ट। बात रही टोपी की, तो ये टोपी जो है डायरेक्ट सेलिंग की, ये तीन चीजों से बचाती है आपको, सर्दी गर्मी और बरसात। सर्दी गर्मी और बरसात किसके लिए बने हैं? गरीब इंसानों के लिए। मैं भी जब इस टोपी को नहीं पहनता था तो हीरो होंडा पैशन पर चलता था, गर्मी में गर्मी लगती थी, सर्दी में सर्दी लगती थी और बरसात में भीगता था। लेकिन जब से मैंने इस टोपी को पहना है, एसलीपीएस वेलनेस की डायरेक्ट सेलिंग की टोपी को पहना है दोस्तों, 3 साल पहन के रखा, 3 साल के बाद घर एसी, गाड़ी एसी, ऑफिस एसी, होटल एसी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं भी एसी हूं। सही बोल रहे, सही है। तो यदि ऐसी टोपी पहन करके जिंदगी बदल सकती है तो मैं तो चाहूंगा हर व्यक्ति को पहननी चाहिए, क्योंकि दोस्त यही एक ऐसी टोपी है जो आपको दुनिया की गरीबी से बचाती है। बाकी तो लोग झूठ की फंसाने वाली टोपियां पहनाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर ऐसी टोपी पहनाई जाती है कि यदि पहनी रखी उतारी नहीं, कुछ लोग क्या ना जल्दी फेंक देते, उतार देते हैं, यदि सही तरह से पहन के रखा तो मैं गारंटी देता हूं ये आपके पूरे खानदान की गरीबी बीमारी सबको धो देती है। अच्छा मुझे सर वो बात याद आ गई, जब आर्मी वाली, आर्मी में जब हम जेएंडके में पोस्टिंग थे जम्मू कश्मीर में, तो उग्रवाद के डर से हमने माथे पे हेलमेट लगाते थे जी, तो कई बार हमारे साथ थी हेलमेट उतार देते थे, तो कहीं ना कहीं सामने से गोली आती थी, हेलमेट उतारते और कई बार हादसा भी हो जाते थे, किसी गोली लगती, तो जब हेलमेट लगा रखते थे, मतलब वो फौज वाला हेलमेट बोलते थे, तो गोली से बचाव हो जाता था जी। तो वही सेम मुझे यहां लग रहा है बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस की टोपी पहन ली तो शायद बेरोजगारी की जो गोली है इसे लाइफ में बच सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में सभी लोग इसी बात को, जितने बड़े स्पीकर हैं, बड़े लोग हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भाई बेचना सीख ले, कुछ भी बेच, तू रेडी बेच, चाय बेच, सामान, बेचना सीख ले, बेच, बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा, बिना बेचे आप बड़े नहीं बन सकते। करेक्ट सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बात मुझे आज भी बार बार मुझे याद आती है, मैं जब 2009 में डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो बेचने की बात मुझे समझाई गई थी उस टाइम पे 2009 के अंदर, उस टाइम पे पार्ट टाइम बढ़ता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि भाई अगर बेचना आता है ना तो इंसान शाप भी बेच सकता है, शाप बिल्कुल बेचता है। तो बोला शाप का लोग क्या करेंगे? अरे बोला कुछ नहीं करेंगे, शाप खरीदेंगे और पड़ोसी घर में जाकर छोड़ देंगे। तो लोग तो पड़ोसी मिलते हैं तो पड़ोसी घर में छोड़ने काम आ जाएगा, लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे, लोग बेचने वाले चाहिए।